तो 15 मिनट है। हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा, नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन एकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं, मैं 21 ईयर से कोटा में नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहां के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पर नीट यूजी के स्टूडेंट को, साथ में नीट यूजी में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। साथ में उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है बच्चों। नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन जो देता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड कोर्स, वो भी बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर से, अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन के 4 मेन फीचर्स हैं बच्चों। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती है, यहां से एजुकेटर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। पोल्स अवेलेबल हैं बच्चों, जिसमें आपके पैरेलल में और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है। तो ये पहला एडवांटेज है यहाँ का, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। दूसरा, लाइव टेस्ट और क्विजेज सेकंड एडवांटेज है यहाँ का। उस क्विजेज के थ्रू आप प्रिपरेशन को इवेल्यूएट कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है जब चैप्टर पढ़ लिया है। तो टेस्ट के थ्रू आप ये इवेल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है, आप नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तीसरा इसका एडवांटेजेस है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। तो कंटेंट शानदार है और यहाँ 0 लेवल से लिफ्ट अप करके बच्चे को टॉप लेवल तक ले जाते हैं। कोर्सेज खत्म हो गए हैं, उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है। ये जो PYQ है ये उसी का एक पार्ट है बच्चों। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और कितनी भी लोगों की आप लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? और साथ में अगर आपकी लाइव क्लास छूट गई है तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज की फॉर्म में भी इस इन्हें देख सकते हैं जब चाहें। जब अगर आप बहुत दिनों में नोट्स बनाना भूल गए हैं तो रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी इसे देखते हैं। तो ये 4 एडवांटेज होने के कारण इस ये सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। यहाँ के फ्री डेमो क्लासेज है, यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं और उनके बहुत व्यूअर्स और
फॉलोवर्स हैं बच्चों, अब सब्सक्रिप्शन को कैसे लेंगे? एक मंथ का सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपीज में मिलता है बच्चों, पर अगर आप 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये 2500 में अवेलेबल है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1500 रुपीज में ही अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ मंथ्स बढ़ते हैं तो पर मंथ कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है, और मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे आप जीएस सर तो आपका यहां 10% और डिक्रीमेंट हो जाएगा कॉस्ट में। जो 1500 का कॉस्ट था वो 1350 का अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 का कोर्स पर मंथ आपको 2250 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास जो 6000 का सब्सक्रिप्शन था वो 5400 में ही अवेलेबल हो जाएगा। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो सेकंड वाला क्लास था वो टेक्निकल रीजन से कैंसिल हो गया, वो कल सुबह होगा बच्चों मॉर्निंग में। क्लियर है सबको? आया समझ में? तो कैपेसिटर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां से हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन सबसे इजी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इजी और हार्ड, मैं तो ईयर वाइज आपको क्वेश्चन कराता जा रहा हूं, जो आए हुए क्वेश्चन है सारे, और उनमें से मुझे लगता है जो इस नीट यूजी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन सबको डिस्कस करता हूं बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये तो सबको आता होगा। क्लियर है सबको? तो आ जाइए बच्चों सब लोग यहां। सबसे पहला क्वेश्चन, आरसी इज इक्वल टू, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों ये तीन तरह के सर्किट होते हैं। एक आपका सर्किट है आरसी सर्किट, एक एलसी सर्किट, और एक होता है एलआर सर्किट। तीन तरह के सर्किट्स होते हैं बच्चों। ये तीनों में टाइम क्या होता है वो आप चेक कर लीजिए। सी सर्किट में ये टाइम, या लैम्डा भी बोलते हैं उसे, टाइम कांस्टेंट, वो आरसी होता है। एल और आर सर्किट है बच्चों, ये आगे आएगा ईएमआई में, वो भी एल बाई आर टाइम के इक्वल होता है बच्चों। और अगर एलसी सर्किट है बच्चों, ये एसी में आता है बच्चों, तो यहां पर इसका डायमेंशन रूट एलसी, ये तीनों टाइम के इक्वल होते हैं बच्चों। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी है। इनवर्स ऑफ टाइम नहीं मिस्टर विजय शर्मा, टाइम के इक्वल है। इनवर्स ऑफ टाइम तो फ्रीक्वेंसी होता है, टू नहीं आएगा, आरसी टाइम कांस्टेंट है, ये आरसी का डायमेंशन। चाहो तो आप चूज भी कर सकते हो। क्लियर है सबको? कैसे चूज कर सकते हो? आर का आप निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल टू, एक और तरीका है, मैं टाइम के इक्वल प्रूव कर देता हूं, R इज इक्वल टू पी अपॉन आई स्क्वायर, तो आपको पता चल जाएगा पावर की एम वन एल टू टी माइनस थ्री होती है बच्चों, और आई स्क्वायर का या आप इसको बिना डायमेंशन के भी सोल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये तो रेजिस्टेंस का है। ऐसे कैपेसिटर का फाइंड कर सकते हैं बच्चों, क्या होता है हाफ क्यूवी का वैल्यू या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी का वैल्यू, वर्क डन या एनर्जी के इक्वल है। तो यहां से सी का क्या होगा चेक कीजिएगा बच्चों, सी का यहां पर सी को इधर ले जाइए, डब्ल्यू को उधर ले जाइए बच्चों, तो कितना हो जाएगा सी का Q स्क्वायर बाई W हो जाएगा। Q स्क्वायर का क्या होगा, A1 T1 का होल स्क्वायर होगा बच्चों। क्लियर है? W नीचे आएगा, M1 क्लियर है आपको, M1 L2 आपके पास T-2 हो जाएगा,
नो स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, हमने यहाँ तक स्टार्ट किया था, अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार वापस से। ये तो हम डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। तो यहाँ पर आपके पास है ये तो पता ही है आपको, बता दिया मैंने, आर और सी सर्किट है। तो टाइम या लैम्डा टाइम कांस्टेंट आरसी होता है, एलआर सर्किट है बच्चों। तो आपके पास चलिए अब सही वर्क कर रहा है सब कुछ, एल आर सर्किट है। तो ये एल बाई आर होता है बच्चों, और अगर ये एल सी सर्किट है, ये एसी में पढ़ेंगे। तो हम डिस्कस कर चुके थे यहां तक, वैसे एक बार और डिस्कस कर दिया, ये तीनों टाइम के इक्वल हैं। तो ये तो आपकी डायमेंशन हो गई बच्चों। हाँ जी, स्टार्ट कर दिया है, सेकंड क्वेश्चन पे जा रहा हूं बच्चों। यहीं से हमारी प्रॉब्लम थोड़ी शुरू हुई थी, अब सही है, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा बरसात का सीजन है ना, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए कभी कभी। ऐसा नहीं होता 99% एवरीथिंग इज गुड, बट 1% कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, इज अ रेनी सीजन इन इंडिया। क्लियर है सबको? वापस आ जाइए सब लोग, चेक कीजिएगा बच्चों, यहां क्या होगा, एनर्जी ऑफ स्मॉल कैपेसिटर, कैसे स्मॉल कैपेसिटर का एनर्जी सी एस वी एस का स्क्वायर एन टाइम्स ऑफ आपके पास है हाफ सी बिग वी बिग का स्क्वायर, हाफ कैंसिल हो गया है बच्चों। एन क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ कैपेसिटर सी बी अपॉन सी एस का होल स्क्वायर, वी बी अपॉन वी एस का होल स्क्वायर। तो बिग कैपेसिटर 16 है, ये 8 है, ठीक है बच्चों, ये 1000 दे रखा है, और छोटे वाले का वोल्टेज 250 होल स्क्वायर होगा, ये 2 होगा, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 32 आ जाएगा बच्चों। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों, ये आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी, स्टार्ट हो गया है,
ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं मैं। आ जाइए बच्चों वापस सब लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चेक कीजिएगा, तीन कैपेसिटर हैं, 3, 10, 15 कनेक्टेड इन सीरीज, 100 वोल्ट की बैटरी है। चेक कीजिएगा, डायग्राम बनाने जा रहा हूं बच्चों। तो ये आपका 3 माइक्रोफेरेड, ये आपका 10 माइक्रोफेरेड, क्लियर। ये आपका कितना, 3 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड और ये आपका 15 माइक्रोफेरेड है बच्चों। और किससे जोड़ा गया है, इससे 100 वोल्ट की बैटरी से। तो क्या होगा वोल्टेज, पहले वोल्टेज निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कैपेसिटर के क्वेश्चन हैंडल करने हैं, इस पर V1 है, इस पे V2 है, इस पे V3 है। तो V1:2, V2:2, V3 का वैल्यू 1/C1 होगा बच्चों, ÷1/C2, ÷1/C3। चेक कीजिएगा बच्चों, ये आपके पास 1/C, 1/3, 1/10 और 1/15 होगा। एलसीएम लेंगे बच्चों, कॉमन कितना आएगा एलसीएम, सिंपल रेशियो निकालने के लिए। तो आपके पास 30 आया, तो ये 10 हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा, ये 2, हमारा इंटरेस्ट 2 में है क्योंकि हमें V3 निकालना है। तो V3 क्या होगा, जिसका वैल्यू चाहिए उसका रेशियो लेंगे, 10 + 3 + 2 × 100 होगा बच्चों। तो इसको ऐसे कैसे ही रखिए, 200/15, ये वोल्टेज आ गया बच्चों। अब हमको चाहिए इसका चार्ज, तो Q3 क्या होता है, C3V3। चेक कीजिएगा, इज अ 15 × 200/15 कैंसिल हो गया है, तो आपके पास ये 200 माइक्रो कूलाम इज द आंसर। कौन सा आंसर है, थर्ड आंसर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे चेक कीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। कैसे हैंडल करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों, जब एरिया डिवाइड करते हैं ना तो कैपेसिटर पैरेलल में बनते हैं, और जब, तो चेक कीजिएगा यहाँ, ये एक प्लेट है, एक कैपेसिटर इधर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आधे आधे में भरा है, ये area/2 है बच्चों, ये भी area/2 है, डिस्टेंस वही है, तो ये दो पैरेलल में कैपेसिटर बनेंगे। कितने कितने के, जहां C0 की वैल्यू पहले से लिख दीजिए कितनी होती थी, ε0A/2, तो ये C0/2 का कैपेसिटर बनेगा, ये C0/2 का कैपेसिटर बनेगा। और सी मीडियम क्या होता है, εr × C0, εr वहां K1 है, तो इसमें K1 भर दीजिए, इसमें K2 भर दीजिए और सोल्व कीजिए बच्चों। सी नेट पैरेलल में क्या होगा, इसका नाम C1 रख देते हैं, उसका नाम C2 रख देते हैं बच्चों, तो C1 + C2 होगा। तो क्या होगा, फटाक से C0 बाहर आ गया, K1 + K2/2, इसकी वैल्यू वापस भर दीजिए C0 की, कहां से, यहां से C0 की,
टू भी बाहर ले लीजिए बच्चों, के वन प्लस के टू। तो कौन सा आंसर है? फर्स्ट आंसर है बच्चों, क्लियर है सबको? आया समझ में? चलिए कोई बात नहीं बच्चों, वापस से अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें बोला गया है दो स्फीयर हैं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, क्लियर है सबको? 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, उसको 10 माइक्रोकुलाम तक चार्ज किया है, टच किया है, टच करने पर पोटेंशियल इक्वल हो जाता है बच्चों। तो पूछा है चार्ज डेंसिटी, वो भी कौन सी? सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों। वापस से मैं कॉन्सेप्ट्स पर जा रहा हूं, चेक कीजिएगा बच्चों, ये R1 है, ये आपका, और R1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, इसे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने पर V1 इज इक्वल टू V2 होगा, और KQ बाई R का मतलब ये कांस्टेंट होता है, तो Q किसके प्रोपोर्शनल है? R के। जब टच करते हैं तो पोटेंशियल इक्वल होता है, पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब है चार्ज रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब सिग्मा याद करो बच्चों, Q अपॉन एरिया होता है, Q अपॉन एरिया क्या होगा? 4 पाई R स्क्वायर होगा। तो सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है? Q अपॉन R स्क्वायर के। Q की जगह क्या भर देंगे? R भर देंगे बच्चों। ये R स्क्वायर है, ये 1 बाई R है, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या होगा? R2 बाई R1 होगा बच्चों। यहां से हैंडल करके ले जा सकते हैं बच्चों, उठा के रख दीजिए। क्या होगा डेंसिटी? बोलो R2, रेडियस 20, ये 10, तो ये 2:1 होगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बनते हैं। 2:1 कौन सा ऑप्शन है बच्चों? थर्ड ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहां कैपेसिटेंस C1, C2, C3, C4, C5 4 माइक्रोफेरेड है बच्चों। क्या क्या है? ये भी 4 है, C4 भी, C1 भी 4 है। तो आप चाहें तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड को यूज कर लीजिए बच्चों। ये मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट A, ये मोस्ट नेगेटिव पॉइंट बोलो बच्चों D, और B किसके पास है? ये B बीच में, ये पॉइंट B बच्चों, और ये पॉइंट आपका C है बच्चों। तो चेक कीजिएगा, A से C 4 माइक्रोफेरेड लगा है, फिर A से B भी 4 माइक्रोफेरेड लगा है। फिर B से D बच्चों C5 की वैल्यू भी ऊपर से देखो 4 माइक्रोफेरेड है। ये लिखते जाओ, क्लियर सबको? ये आपका 4 माइक्रोफेरेड है, ये आपका 10 माइक्रोफेरेड है। तो क्या होगा? ये ब्रिज बैलेंस है बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4-4 किसमें आए? सीरीज में, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो गैल्वेनोमीटर ब्रांच का कोई मीनिंग नहीं होता। तो 4 और 4 सीरीज में आ गए, तो वो 2 माइक्रोफेरेड हो गया बच्चों।
नीचे वाला भी 2 माइक्रोफेरेड हो गया बच्चों, किस किस का वैल्यू 2 हुआ, इसका इसका कैसे हुआ, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये भी तो 2 और 2 पैरेलल में बच्चों, तो एड हो जाएगा, तो 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, फोर्टी माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन डेफिब्रिलेटर, 2 मिलीसेकेंड पावर पूछा है बच्चों। पावर पता है क्या, क्या होता है पावर? पावर एनर्जी बाय टाइम होता है। एनर्जी कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, और टाइम ये पूछा है। तो पावर डिलीवर्ड चाहिए, तो हाफ जैसे का जैसा सी 40 माइक्रोफेरेड है बच्चों, ये वी बोलो बच्चों, 3000 का स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट लिख दूं, ये लिख देता हूं, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 10^6 लिख सकते हैं, क्लियर। और नीचे टाइम है 2 मिली, मिली मतलब -3, चेक कीजिएगा बच्चों, -3 से ये -3 रह गया। अब इसे सोल्व कीजिएगा, 1/4 से ये 10 times, ये 10^7 हो गया, तो आपके पास 9 और 7 में से 3 गया, तो 9 × 10^4 जूल आया बच्चों, सॉरी वॉट। इसको क्या लिख सकते हैं, 90 किलोवॉट। तो आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है 2004, क्लियर है। चलिए बच्चों आते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे डेटा दिए हैं, एक्स्ट्रा डेटा है इसमें, वो कोई यूज नहीं होंगे बच्चों, क्लियर है सबको। यहां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स हैं जिनका एरिया इतना है, स्पेस 1 mm है, 7 है, ये वोल्टेज आपका 300 है। अब हमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब समझते हो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वी बाई डी, या ऐसे भी लिख सकते हो डीवी बाई डी आर माइनस, पर जब चेंज इन हो रहा हो तो वी बाई डी से लिख सकते हैं। वी कितना है, 300 है, डिस्टेंस कितना है, 1 mm है, 1 mm को क्या भरेंगे, बस सोल हो जाएगा, तो 3 × 10^5, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। आया समझ में, क्लियर सबको, चेक कीजिएगा बच्चों क्या पूछा है, पी और आर के बीच में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको यहां इसको बनाने जा रहा हूं बच्चों, ये आपका पेंटागन है,
ये पी और आर के बीच में हमें इक्वेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये भी एक कैपेसिटर है, सबकी वैल्यू कितनी है, सी। तो ये सी और ये सी सीरीज में हो गए पी और आर के लिए, और ये तीनों भी सीरीज में हो गए, और ये आपस में पैरेलल में हैं क्योंकि यहाँ बैटरी लगा है, तो यहां से चार्ज डिवाइड हो जाएगा, तो सी 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 बाई टू हो गया, सी सी तीनों हैं तो सी बाई थ्री हो गया। तो बोलो बच्चों, सी बाई टू प्लस सी बाई थ्री, ये सी पी आर आया, क्लियर। तो कितना होगा, 5C/6 एलसीएम ले लिया बच्चों। अब सी पी क्यू निकालना है बच्चों, सी पी क्यू का मतलब समझते हैं, वहां बैटरी लगी है, यहां ये पी और क्यू है, ये पी है, ये आपका क्यू है, ये सी है, ये सी है, ये सी है। अब ये चारों सीरीज में हो गए बच्चों, चेक कीजिएगा बच्चों वापस से, सब कुछ सही हो गया है। डेफिब्रिलेटर का मतलब वो जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ना सुभमा चौधरी, तो वो शॉक देते हैं किसमें, आईसीयू यूनिट में, जब आप बायो से रिलेटेड हैं वहां पर जब हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो डेफिब्रिलेटर, डेफिब्रिलेटर एक डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं, वो कैपेसिटर से बनता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है नाम से, हमको तो केवल और केवल किस पे ध्यान देना है बच्चों, कैपेसिटेंस पर। आ जाइए वापस से, सी पी क्यू फाइंड कर रहे हैं, ये तो चारों सीरीज में है तो C/4 हो जाएगा बच्चों, वो पैरेलल में है, तो सी पी क्यू कितना आया, चेक कीजिएगा बच्चों, सी प्लस C/4, तो कितना, 5C/4। अब आपको इनका रेशियो चाहिए बच्चों, क्या क्या, सी पी आर अपॉन सी पी क्यू चाहिए, बोलो जी कितना होगा, 5/6C अपॉन सी पी क्यू कितना, 5/4, सी 5 कैंसिल, सी कैंसिल, तो 4/6 मतलब 2/3, तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा बच्चों। जो लेट आए हैं वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई क्लास छूटी हुई नहीं होती, रिकॉर्डिंग में आप डेफिनेटली पता कर सकते हैं। आगे बढ़े, क्लियर है सबको, आंसर थर्ड है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़िए एक बार सब लोग। दो कैपेसिटर हैं, 2C and C आर ज्वाइंड इन पैरेलल एंड चार्ज अप टू पोटेंशियल V, बैटरी इज रिमूव्ड, तो नेट चार्ज आपको पता चल जाएगा, कंडेंसर सी है उसमें मीडियम भरा है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स विल नाउ, वो कॉमन पोटेंशियल होगा बच्चों। पहले क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूं मैं, चेक कीजिएगा बच्चों, ये सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन है बच्चों, क्योंकि बैटरी को क्या किया है, रिमूव किया है बच्चों, तो क्या करना होगा, चेक करना, कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन है, वी कॉमन क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, पर याद रखना बच्चों जिसमें भरा है ना C1 वो C1 डैश हो जाएगा, और C2 जैसे का जैसा, C1C है बच्चों, ये V है, C2 2C है,
वो भी बी तक चार्ज किया है बच्चों, लेकिन याद रखो बच्चों सी में क्या भर दिया, तो सी मीडियम होता है एप्साइलन आर टाइम्स ऑफ सी नॉट, तो एप्साइलन आर के है वहां और सी नॉट सी है बच्चों, तो कितना होगा सी वन डैश प्लस सी टू होगा, डैश का वैल्यू ये भरेंगे बच्चों, भर दीजिए सी वी प्लस, तो थ्री सी वी हो गया बच्चों ऊपर, नीचे क्या सी के सी हो गया और सी टू वापिस टू सी है, बस सोल्व कर दीजिए, तो सी कॉमन आकर कैंसल आउट हो रहा है, बोलो कितना आएगा बच्चों, थ्री वी क्यों सी कॉमन आकर कैंसल आउट हो रहा है, तो के प्लस टू बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, क्लियर है सबको, चेक कीजिएगा बच्चों, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप कहें तो एक और तरीके से समझाऊं क्या इसको, एक और तरीके से देखिए बच्चों, ये आपका सी का था, इस पे वी पोटेंशियल था, ये आपका टू सी था, इस पर भी वी पोटेंशियल था, ये इनिशियल डायग्राम है बच्चों, फाइनल में क्या हुआ, इसके बीच में मीडियम भर दिया बच्चों, ये कि तो ये केसी हो गया, ये आपका टू सी हो गया, डायग्राम को से बहुत अच्छा समझ में आता है बच्चों, ये फाइनल डायग्राम है, चेक कीजिएगा यहाँ पोटेंशियल इक्वल होगा तो वहां चार्ज कितना हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई चार्ज होता है ना, तो ये चार्ज हो गया, तो यहाँ चार्ज कंजर्वेशन होगा, यहाँ क्यू वन निकालेंगे सी वी प्लस टू सी वी होगा, क्लियर, यहाँ आफ्टर कनेक्शन के बाद चार्ज निकालेंगे तो हो जाएगा के सी प्लस टू सी, और दोनों का पोटेंशियल तो सेम होता है, उसे कहते हैं वी कॉमन, वी कॉमन निकालना है तो चार्ज कंजर्वेशन से क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू करेंगे बच्चों, और वी कॉमन फाइंड करना है, क्लियर सबको, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं मिस्टर आकाश शाह, ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, एक बार सब सारे बच्चे पढ़ेंगे, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, एम्स में हमेशा क्वालिटी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, कैसे है बच्चों को पता ही नहीं है कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा बच्चों, ये पेपर है, पेपर के दोनों साइड फोइल लगा देते हैं, जैसे हम पराठे के दोनों साइड फोइल लगा देते हैं, पराठा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो ये पेपर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों, और वो जो मेटल की फोइल है ना वो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन ढंग से समझ में आना चाहिए, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इसे सोल्व करने के लिए, चेक कीजिएगा बच्चों, सी मीडियम होगा एप्साइलन आर टाइम्स ऑफ सी नॉट, तो ये क्या होगा एप्साइलन आर जैसे का जैसा, एप्साइलन नॉट ए बाई डी होगा बच्चों, क्लियर है सबको, तो चेक कीजिएगा बच्चों, यहां एप्साइलन हमें चाहिए, अब एरिया में आप क्या भरोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ भरोगे बच्चों, ये लेंथ इनटू विड्थ अपॉन डी, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, जो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जो पेपर की थिकनेस है, याद रखना, अब पूछा है लेंथ पूछा है तो इस वाले पार्ट को यही रख दीजिए, मैं नीचे सोल्व कर देता हूं, वहां थोड़ा आपको दिख नहीं रहा, ये यहां उस टर्म को नीचे लिख देता हूं बच्चों, क्लियर है,
लो देखो कैसे आया, एप्साइलन आर एप्साइलन नॉट लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया को लिख दिया मैंने, और डी लेंथ पूछा है बच्चों, तो क्या आएगा सी एम इंटू डी अपॉन एप्साइलन आर एप्साइलन नॉट और ब्रेथ, वेट बोल दीजिए, बोलो कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, थिकनेस कितना है पेपर का 2.5, थिकनेस बच्चों 0.015, तो इसको मीटर में बदलना है बच्चों, कैसे बदलोगे, 3 तो यहां है, 15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 mm है, तो ये आएगा 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बच्चों, किसको बदला है, इसको MKS में बदला है बच्चों, एप्साइलन आर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होगा, एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5 दिया है और विड्थ कितना है 40 mm है बच्चों, 40 mm मतलब माइनस 3, सोल्व कीजिए बच्चों, ये कैंसल आउट हो गया, क्लियर है सबको, उड़ा दीजिए बच्चों, देखो कैसे उड़ाएंगे, अप्रोक्स जाइए, एग्जैक्ट मत जाइए, हमेशा ध्यान रखिए 5 से ये 3 टाइम्स उड़ गया बच्चों, 5 से ये 0.5 टाइम्स उड़ गया, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, 2 ऊपर ले जाइए तो ये 4 हो जाएगा, ये देखो ये 4 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया है, चेक कीजिएगा ये -2 रह गया बच्चों, ऊपर 3 बचा हुआ है और नीचे 8.85 है और ये 10 की पावर +2, चेक कीजिएगा बच्चों, तो ये 300 डिवाइडेड बाय 8.85 है मीटर में, चेक कीजिएगा, तो अप्रोक्स ये कितना आ रहा है, 9 का डिवाइड कर दीजिए तो 100 बाय 3 9 मान लीजिए आप, तो ये 33 के आसपास आ रहा है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे सोल्व करने से डरते हैं, क्लियर, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, 3 कैपेसिटर हैं, सीसी के ब्रेकडाउन वोल्टेज वी है, जॉइन इन सीरीज है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ब्रेकडाउन कैसे निकालते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस जितने टाइम्स बढ़ेगा ना बच्चों वोल्टेज उतने टाइम्स कम हो जाता है बच्चों, तो मैं आपको तरीका बताता हूं, पहले आपको ये 3 है ब्रेकडाउन का क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, यहां तो किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत इजी क्वेश्चन था, तीनों का चार्ज निकाल लीजिए बच्चों, क्लियर, तो इसका चार्ज भी कितना होगा सीवी, उसका भी कितना होगा सीवी, इसका भी कितना होगा सीवी, क्लियर है, अब क्या करते हैं, अभी तो तीनों इक्वल हैं इसलिए किसी भी एक कैपेसिटर को ले लीजिए, लेकिन तीनों अनइक्वल कैपेसिटर है ना बच्चों, तो सबसे छोटे वाले का चार्ज लीजिए, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो गया ना तो रिमेनिंग सर्किट भी ब्रेक हो जाएगा, तो सबसे छोटा अभी तो सीवी है और उसको सी नेट निकालना है, क्लियर, और ये वी ब्रेकडाउन है, ये तरीका है, तो निकालो सबका, बोलो CV इज इक्वल टू ये कितना होगा CCC C/3 होगा, क्लियर, मेरे पास एक और तरीका भी है, अगर आपको वो पसंद आ जाए तो उससे कर लीजिएगा, वी ब्रेक, तो वी ब्रेक क्या होगा बच्चों
फटाक से बोलो, सी से सी कैंसिल हो गया, 3V होगा, तो कैपेसिटेंस हो सी सी सी, सी बाई 3 हो गई है बच्चों, और वोल्टेज कितना 3V, ये आंसर है। और मैं आपको थोड़ा सा और एक क्वेश्चन से समझाता हूं बच्चों, देखो कैसे, चेक कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, आपको यहां एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड है बच्चों, बहुत इजी डेटा लेते हैं, ठीक है ना, 4 वोल्ट तक वोल्ट इसका ब्रेकडाउन है, याद रखना। ये आपका 6 माइक्रोफैरेड है, क्लियर, और इसका ब्रेकडाउन मान लीजिए 3 वोल्ट है, तो क्या करते हैं बच्चों, पहले इनका चार्ज निकालते हैं, इसका चार्ज कितना आया 3 × 4, उसका चार्ज कितना आया 6 × 3, तो जिसका छोटा है उसको लेना है, अगर वो ब्रेक हो गया ना सर्किट ब्रेक हो जाएगा, 12 ये वाला लेना है, ये क्यू वो होता है, और दोनों का नेट कैपेसिटेंस और वी ब्रेक, ये प्रोसीजर है। सी नेट कितना होगा 6 3 का पैरेलल, जैसे 3 × 6 / 3 + 6, बहुत फेमस पेयर है, 2 आएगा, तो 2 से ये 12 कैंसिल हो गया, तो ये 6 वोल्ट आएगा बच्चों। तो इस तरह से हैंडल करते हैं, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए उसका आंसर तो बहुत इजीली फाइंड कर दिया हमने। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जब भी आर के साथ सी मिक्स करे बच्चों, उस ब्रांच को हटा देते हैं जिसमें कैपेसिटर लगा है, तो मैं हटा के क्वेश्चन बना देता हूं, और उसके पैरेलल रेजिस्टेंस है ना 1 और 1 को क्या लिख दूंगा 2 ओम, उस ब्रांच को हटा देते हैं बच्चों जिसमें कैपेसिटर लगा है, और पूरा का पूरा वोल्टेज यहां फाइंड करना है, ये 2.5 वोल्ट की बैटरी है, तो चेक कीजिएगा, एक ही रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो 2.5 वोल्ट इस पर ड्रॉप आ गया, क्यों आ गया, ये सारा ड्रॉप इसी पे आएगा ना, नेट सोर्स इज इक्वल टू नेट ड्रॉप, तो ये 2.5 वोल्ट कैपेसिटर को चला जाएगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप 0 होगा, क्योंकि कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होती स्टेडी स्टेट कंडीशन में, तो ये 2.5 वोल्ट आ गया इसका, और ये 5 माइक्रोफेरेड है बच्चों, तो क्यू क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बच्चों, रुको फिर क्वेश्चन अलग हो गया, चलिएगा बच्चों कोई दिक्कत नहीं, एक बार और डायग्राम को अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, क्लियर है सबको, बहुत पेशेंसली देखिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, उसने बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, क्लियर, ये देखिए बच्चों आ जाइए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से डायग्राम को बहुत अच्छे से समझाता हूं, उस ब्रांच को उड़ा देते हैं, ये 1 1 ओम के थे, चाहो तो इन्हें ऐड करके लिख दिया था मैंने, इस ब्रांच को उड़ा दिया मैंने, क्यों उड़ा दिया, कैपेसिटर में करंट नहीं जाती डीसी स्टेडी स्टेट, ये 2.5 पे, पर वहां इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है बच्चों 0.5, ये तो कैपेसिटर की जो ब्रांच उड़ाई गई ना उसके पैरेलल वाले रेजिस्टेंस पे वोल्टेज निकालना है, यहां वोल्टेज निकाल के वो कैपेसिटर को पकड़ाना है, तो बोलो फटाक से, ये 2 ओम हो गया, ये आपका 2.5 है और ये 0.5 है ओम, ये रेजिस्टेंस 0.5 है बच्चों, ये तो
कंफर्म है 2.5 का बंटवारा 0.5, या पहले आई निकाल लो बच्चों, आई आपको 2.5 अपॉन 2 प्लस 0.5 से आई आ जाएगा, 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे ड्रॉप आएगा बच्चों वी आई इंटू आर, आई इंटू आर से 2 × 1 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट कैपेसिटर को दे दीजिए बस। तो क्यू क्या होता है बच्चों, सी इंटू वी, सी 5 माइक्रो फेरेड है, 2 वोल्ट है, तो 10 माइक्रो कूलाम इसका आंसर है बच्चों। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, एरिया, देखो धीरता से क्वेश्चन को पढ़िए, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, एनर्जी मतलब चेक कीजिएगा बच्चों क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पक्का ना, वॉल्यूम क्या होता है कैपेसिटर का, ये एरिया है, ये डिस्टेंस है, तो क्या होगा एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये तो एनर्जी डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम वहां से भर दीजिए, एरिया इनटू डी, बस खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है, एनर्जी पूछा है बच्चों। एक और तरीके से भी कर सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, उससे बनाऊं क्या, एक मेथड और देखो, हाफ सी वी स्क्वायर, सी का वैल्यू भरो और वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, E इंटू डी, क्योंकि E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है जी, सोल्व कर लीजिए फिर भी आंसर वही आएगा, कौन सा आंसर है फर्स्ट, तो ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चनों में से गिना जाता है बच्चों। एक और एम्स का क्वेश्चन है, ये एक बार जिपमर में आया हुआ है, एक बार बीएचयू में भी आया हुआ है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे सोल्व करते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो पर, मतलब चार्ज होने से पहले कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता है, जबकि इंडक्टर ओपन सर्किट होता है बच्चों, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन में सी ओपन सर्किट होता है, तो आपको दो ये सर्किट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, तो एक बार इसको जीरो मानते हुए बच्चों इसको कैपेसिटर को शॉर्ट कर दीजिए, तो चेक करना, मैं डायग्राम बना रहा हूं, टी इज इक्वल टू जीरो वाला, उसके पास में ही ये आपकी बैटरी है 2 वोल्ट की, ये आपका 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, ये शॉर्ट हो गया है बच्चों, कौन सा रेजिस्टेंस 1000 ओम, वो सर्किट में नहीं रहा क्योंकि उसके पैरेलल में जीरो लगा है, सोल्व कर लो चाहो तो, 1000 × 0 / 1000 + 0, R1 R2 से सोल्व कर रहा हूं, तो इनका मतलब जीरो हो गया है, ये शॉर्ट हो रहे हैं, तो करंट निकालनी है 1000 के सीरीज में जीरो लगा है, तो I1 में ऊपर निकाल देता हूं, T1 इज इक्वल टू जीरो से क्या आएगा बोलो फटाक से, 2 / 1000, तो ये 2 मिली एम्पियर होगा, लेकिन T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे ना बच्चों उसी सर्किट में, ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है, क्या होगा जहां पे कैपेसिटर है वहां ओपन सर्किट बनाना है, 2 वोल्ट की बैटरी जैसे के जैसी, 1000 ओम जैसे का जैसा, और जहां कैपेसिटर लगा था ना वहां पुलिया तोड़ दीजिए, तो उधर से करंट नहीं जाएगा, तो अब ये सीरीज में हो गए 1000 1000, तो करंट I2 जाएगा बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कितना आएगा 2 / 2000, 1 mA आएगा बच्चों, तो कैपेसिटर चार्ज होने के साथ करंट डिक्रीज होता है बच्चों।
चार्ज और वोल्टेज तो बढ़ते हैं पर बैटरी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस घटता है, तो करंट घटेगा बच्चों। तो पहले कहां से स्टार्ट हुई थी करंट? ये 2 मिली एम्पियर से स्टार्ट हुई थी बच्चों, t=0 पर, और घटकर कहां तक जाएगी? 1 मिली एम्पियर। आ जाओ, t=0 पर 2 मिली एम्पियर है टाइम के साथ एंड गोज टू 1 मिली एम्पियर। डेफिनेटली यही क्वेश्चन है, यही आंसर है बच्चों। क्लियर है सबको? तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। थोड़ा सा हर्डल आया आज बरसात होने से, यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हमने ऐसे कोई हम इरिटेट नहीं होते, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हम अच्छे से करेंगे। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज कीजिए, GS सर। आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। क्लासेस वापस चारों होगी, जो 5 o'clock की क्लास थी वो आगे शिफ्ट हो गई है बच्चों, नीट यूजी पोस्टपोन नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए बच्चों। टाइम पर होगा 26th of July, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है ना वो हो चुके हैं बच्चों के, जब छोटे बच्चों के एग्जाम लिए जा रहे हैं तो नीट देने वाले बच्चे बड़े बच्चे होते हैं, ये पोस्टपोन नहीं होगा, तैयारी शुरू कर दीजिए। और हमने यहाँ रैपिड रिवीजन पैकेज स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन के थ्रू, बच्चों का जो जंग लग गया था उस जंग को हटाने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप पहले कितना ही पढ़ चुके हैं बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही स्पीड मेंटेन कर सकते हैं बच्चों, 180 क्वेश्चंस करने हैं 3 आवर्स में, तो स्पीड तभी बढ़ती है जब प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो ये जो आज हमारी 2 ही क्लास हुई कैपेसिटर की, एक मॉर्निंग में हुई एक अभी हुई, एक और क्लास होनी थी 5 o'clock वाली, वो कल 10 o'clock पर आपको दोबारा से मिलेगी बच्चों। तो इस तरह से हम थैंक यू वेरी मच आगे बढ़ाते हैं।